रामपुर जंगल में टंटनी चिड़िया कपड़े सीने का काम करती थी। वो फूलों और पत्तों से तरह तरह के कपड़े सीती थी। टंटनी देखो, ये मैं बहुत ढेर सारे पत्ते लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इन पत्तों से मेरा खूबसूरत सा ड्रेस तैयार करो। जिस तरह तुमने पिछली दफा फूलों से मेरा ड्रेस तैयार किया था और सबका बहुत पसंद आया था। ठीक है बुलबुल बहन, ये यहाँ रख दो, मैं एक हफ्ते तक तुम्हारा ड्रेस तैयार कर दूंगी। नहीं नहीं टंटनी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे ये ड्रेस 3 दिनों के अंदर अंदर चाहिए। लेकिन बुलबुल, मेरे पास अभी बहुत से पक्षियों के आर्डर पड़े हैं, मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी तो पता है ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से कपड़े नहीं बनवाती। चलो मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े पूरे जंगल में बहुत पसंद किए जाते थे। एक दिन सुंदरी कव्वी शहर से रामपुर जंगल अपनी बहन से मिलने आती है। वापसी पर उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है तो उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है। वो जल्द ही उसकी शादी अपने बेटे कालू कौवे से कर देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ शहर रहने लगती है। वो सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन जब कालू कौवा काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू बिल्ला उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवा बुरी तरह घायल हो जाता है और बिस्तर से लग जाता है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास के पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने मेके में फूलों और पत्तों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती थी। अगर आप इजाजत दें तो जब तक कालू जी ठीक नहीं हो जाते तो मैं अपना काम फिर से शुरू करना चाहती हूँ। इस तरह घर का खर्चा भी निकल आएगा और कालू जी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। मुझे क्या इतराज हो सकता है बहू, अगर तुम्हें ये काम अच्छे से आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया फूलों और पत्तों से कपड़े सीने लगती है। जब टुनटुनी चिड़िया कपड़े सी रही होती है तो इतने में सुंदरी कौवी की सहेली हरी तोता वहां आ जाती है। उसे टुनटुनी चिड़िया के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो कहती है, सुंदरी तुमने तो बताया ही नहीं था कि तुम्हारी बहू को इतने सुंदर कपड़े सीने आते हैं। खैर, आइंदा से मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इसी से सिलवाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के कपड़े सीने का काम चल पड़ता है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। मेरे माँ जी, ये मेरी पहली कमाई आ गई है और इस पे सबसे पहला हक आपका है। नहीं नहीं बेटा, इस पे सारा हक तुम्हारा है और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसी बहू सिलेक्ट की है जो शक्लो सूरत में भी बहुत सुंदर है और मुश्किल वक्त में वो अपने शोहर के साथ खड़ी हुई है। इस तरह वक्त गुजरने के साथ कालू कौवा भी ठीक हो जाता है। फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ कपड़े सीने में उसकी मदद करने लगता है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।